हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पंपम ब्लॉग में आप सबका वेलकम है। और मैं बहुत दिन के बाद आई हूँ लाइव में, और आपको पता है मैं बहुत नहीं लाइव नहीं सॉरी ब्लॉग में। एक्चुअली मैं आजकल लाइव में ज़्यादा आती हूँ और ब्लॉग में कम आती हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ रहता नहीं है कि मैं आपको दिखाऊँ या फिर कुछ स्पेशल रहे तभी मैं आपको कुछ लगता है कि कुछ अलग होता है तो दिखाने में भी अच्छा लगता है। अब एक ही चीज़ को कंटिन्यू डेली क्या दिखाएंगे। तो सभी को मेरे तरफ से हैप्पी संक्रांति। तो 14 जनवरी आज है लेकिन हम लोग बना रहे हैं कल 15 जनवरी को, क्योंकि कहते हैं ना कि भगवान को तिल ना संडे को नहीं, सैटरडे संडे को नहीं चढ़ाया जाता है। तो इस वजह से हम लोग क्या, हमको लगता है लगभग बहुत सारे हैं जो कि मतलब कि 15 को ही मना रहे हैं तिल संक्रांत। तो आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं। और तिल संक्रांत के शुभ अवसर पर मैं बना रही हूँ, जो कि ये देखिए मैं अभी स्टार्टिंग ही की हूँ। ये मैं बादाम भूंजी हूँ, अभी भूंजी हूँ, इसको ठंडा होने देती हूँ। बादाम भूंजी हूँ, फिर इधर मैं तिल का लड्डू बना रही हूँ, बादाम का लड्डू बना रही हूँ, और फिर इधर मैं चूड़ा का लड्डू बना रही हूँ, लड़ुआ जिसको बोलते हैं, सॉरी गाइस। और देखिए इधर मैं गुड़ भी तैयार करके रख ली हूँ और मूढ़ी का भी बना रही हूँ। तो आप जिन जिन को पसंद है लड़ुआ, हम लोग के इधर कहते हैं लड़ुआ, तो आप लोग आ जाइए और सभी को एंजॉय करिए, क्योंकि बहुत सारे हैं जो कि पसंद तो होता है लेकिन खाते नहीं हैं, ये खा नहीं पाते हैं। तो सभी का वेलकम है मेरे ब्लॉग में। तो जो जो आ सकते हैं तो कमेंट में करिएगा कि मैं कैसे बनाती हूँ। मैं ऐसे, मुझे उतना अच्छा नहीं आता है, लेकिन कहते हैं कि कोशिश करने से क्या नहीं होता है, सब कुछ पॉसिबल है। तो वही मैं कोशिश करती हूँ। और अभी मैं तिल का, बादाम का, चूड़ा का, मूढ़ी का, सबका मैं लड्डू बना रही हूँ, लड़ुआ बना रही हूँ। तो चलिए आप लोग मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए, तो मैं आगे भी आप लोग को प्रोसेस दिखाती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। ऐसे तो सभी को पता होगा, हम ही को बता दीजिएगा, मुझे ही नहीं पता है। तो अभी मैं तिल को भूजने के लिए चढ़ा दी हूँ, बादाम मैं भूंज ली हूँ। तो चलिए आप मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए, मैं आगे भी दिखाती हूँ क्या क्या कैसे कैसे करती हूँ, बने रहिए मेरे ब्लॉग में। देखिए गाइस, मैं बादाम को और तिल को अच्छे से भूंज ली हूँ, और मैं अभी थोड़ा देर इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दी हूँ। तो देखिए गाइस, मैं इतना चूड़ा का बनाई और इतना मेरा बिगड़ गया, बना ही नहीं। तीन कोना मेरा चूड़ा का लड़ुआ बना और एक कोना बिगड़ गया। मैं अच्छी कोशिश की। अभी मैं चलिए मूढ़ी का बनाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे मैं कैसा बनाती हूँ। और फाइनली गाइस, देखिए मैं मूढ़ी का भी लड़ुआ बना ली। अब किन किन को पसंद है, ये चूड़ा का है, ये मूढ़ी का है, ये भी मूढ़ी का। इतना मेरा ना थोड़ा सा गड़बड़ हो गया चूड़े का, जो कि मैं कभी नहीं बनाती थी ये सब, लेकिन बनाई तो थोड़ा सा तो खैर बिगड़ेगा ही जब आप फर्स्ट टाइम कोई काम कर रहे हैं। तो देखिए, और अब भी इधर मैं रखी हूँ बादाम और तिल। आप मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए, और इधर मैं बना करके भी रखी हूँ और आगे भी मैं जा रही हूँ बनाने के लिए। तो किन किन को पसंद है चूड़ा का, मूढ़ी का, बादाम का और तिल का, फटाफट कमेंट करिए। और फाइनली गाइस, देखिए इधर मेरा ये क्या कहते हैं मूढ़ी का लड़ुआ, इधर मेरा बादाम तिल का लड़ुआ, इधर भी मेरा मूढ़ी का लड़ुआ, और इधर मेरा चूड़ा का लड़ुआ तो रेडी हो गया है। और काम करने के लिए कहूँ, क्योंकि बहुत सारा काम है और काम मैं कुछ भी नहीं की हूँ और इसी में लग गई। और देखिए, लगी तो मैंने कोशिश की तो मैं कामयाब तो हो ही गई। और अब मेरा किचन का हालत देख सकते हैं कि कितना बिखरा हुआ है चारों तरफ। तो चलिए इसी के साथ मैं मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए, मैं आगे भी आपको दिखाती हूँ क्या क्या करती हूँ। और घर में सारा बना उना करके सब समेट के अभी तक मेरा खाना गाइस नहीं बना है। और अभी मैं कुद्रुम लेकर के आई हूँ, अभी मैं इसका चटनी बनाऊंगी। काफ़ी लेट हो गया आज, एक्स्ट्रा कुछ भी काम करिएगा ना बहुत टाइम हो जाता है, इसके लेकर के मैं कुछ एक्स्ट्रा करती नहीं हूँ। लेकिन आज संडे है
बहुत काम हो जाता है, लेकिन कोई उपाय नहीं है, करना ही है, करना ही पड़ेगा। ऊपर से कल मकर संक्रांति है, तो उसकी तैयारी भी आपको आज ही करनी होगी। तो मैंने सब कुछ कर लिया ऑलरेडी, तो अभी मैं बना भी ली, तिल का लड्डू, बादाम का लड्डू, क्या कहते हैं, चावल का लड्डू, नहीं चावल का नहीं, इसका क्या बोलते हैं, चूड़ा का लड्डू और मुढ़ी का। तो मैं चार तरह का मैं लड्डू बनाई, दाल चावल बना ली। अभी चटनी का तैयारी कर रहे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को थोड़ा खाने पीने के वो शौकीन है, थोड़ा ही खाते हैं, लेकिन अच्छा खाना चाहिए, जैसे तैसे आप नहीं दे सकते हैं। तो इस वजह से मैं भी सोचती हूँ कि थोड़ा अपना कष्ट ही सही, और कष्ट क्या करूँगी, क्या नहीं खाना बनाऊँगी, तो इतना तो बनता ही है। तो इस वजह से मैं अभी खाना बना रही हूँ। खाना में दाल चावल बन गया, सब्जी बन गया, लास्ट में मेरा चटनी बचा हुआ है, जो कि मैं अभी पीसने के लिए जा रही हूँ। और जरा होलिया देखिए कैसा हो रखा है। तो अभी मैं जा रही हूँ फटाफट अब चटनी पीस के, उसके बाद फिर मैं नहाऊंगी, क्योंकि फिर बहुत लेट हो गया, ठंड भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ठंड है। तो देखती हूँ, करना तो है ही, तो करना पड़ेगा ही। तो आप मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए, मैं आगे भी आपको सारा अपडेट दूंगी, मैं आगे और क्या करूंगी। चलिए आप मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। और फाइनली देखिए गाइस, मेरे पापा आए हैं, तुषांत आई है, हिताक्षी आई है, और लड़ुआ जो बनाए मैं मुरी का और चूड़ा का, तो मेरे पापा सब और बच्चे सब एंजॉय कर रहे हैं। पापा कहना बोलना, अच्छा चलो बढ़िया से, चलिए मेरा मेहनत सक्सेस। हाँ हाँ, क्या अब नहीं, चलो खाओ पूरा फिनिश करो। और इधर देखिए सभी कोई लड़ुआ का क्या कहते हैं, ऐसे तो तिल संक्रांत कल है, लेकिन आज ही ये लोग खा रहे, भगवान को तिल चावल कल चढ़ेगा। तो चलिए आप मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए, मैं आगे भी आपको अपडेट देती हूँ। फाइनली गाइज, मैं नहा ली, पूजा तो ऐसे क्या पूजा, 3 बजे के बाद पूजा कते करना भी नहीं चाहिए, मैं मन में श्रद्धा नहीं पड़ता है, फिर भी थोड़ा बहुत तो कर ही लेती हूँ। और ठंड इतना ज़्यादा है कि मैं फटाफट अपना जैकेट पहनी, बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा कपकप आ रही हूँ मैं। और लेट नहीं होता, लेट हो गया, मैं एक्स्ट्रा बहुत काम करने लगी। उसके बाद फिर पापा आए, बच्चे आए, फिर पापा लोगों को भी चाय नाश्ता सब दी, उसके बाद फिर बच्चे लोग भी पूरा इन्जॉय किए, फिर मेरे हस्बैंड आ गए खाना खाने के लिए, फिर उनको मैं खाना दी। इस यही सब करने धरने में जानते हैं काफ़ी लेट हो जाता है, और जब लेट होते हैं तो पूरे अच्छे से फिर लेट हो जाती हूँ मैं। और इतना ठंड हो रहा है कि इतना ठंड में पूरा, मतलब कि मेरा हालत ख़राब है पूरा, मैं घुसी हुई हूँ कम्बल के अंदर। तो खैर ठंड के दिन में तो ठंड ठंड ही होगी। और तिल संक्रांत हम लोग कल मना रहे हैं गाइस, तो आप लोग को हैप्पी मकर संक्रांति, जिनके इधर आज हो रहा है तो उनको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, और जो कल मना रहे हैं तो उनको एडवांस में मैं हैप्पी है मकर संक्रांति कहती हूँ। और मैं खा पी ली और बच्चे सबको भी खाना वाना दे दी, उसके बाद फिर मैं सोची थोड़ा सा मैं ब्लॉग शूट करती हूँ, क्योंकि अभी एंड कर नहीं की हूँ। और अब देखिए मैं कितना कपकपा रही हूँ, बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है, धूप ठंड हवा, मतलब कि धूप में ठंडी हवा चल रही है, तो इस वजह से इतना बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। तो खैर ठंड तो होगा ही, और अब कल की तैयारी हो गई है, आज ही मैं कर धर के रख दी। और आप सबका वेलकम है पम पम ब्लॉग्स में, सभी कोई आइए मेरे घर पे, सभी का वेलकम है, और सभी कोई एंजॉय करेंगे मिलके मकर संक्रांति का, पतंगबाजी करेंगे। तो चलिए इसी शुभकामनाओं के साथ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में फिर आऊँगी। ऐसे ही आप लोग प्यार स्नेह सपोर्ट बना करके रखिए, और फिर आगे कुछ अच्छा होगा तो मैं ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँगी, ब्लॉग बनाऊँगी। मुझे लगा कि आज के दिन का ब्लॉग बनाना चाहिए, शूट करना चाहिए, तो इस वजह से मैं शूट की। और हाँ, मुझे अच्छा लगता है ब्लॉग बनाना, लाइव में आना, आप सबसे बात करना, और रियल में बहुत ना बहुत ज़्यादा खुशी होती है, तो अच्छा लगता है, खुशी होती है एक, तो
यही है गाइस, और मैं ऐसे ही लेट गई हूँ आकर के, बाप रे बाप। अभी थोड़ा बहुत मैं शॉर्ट भी डाली हूँ, शॉर्ट बनाई थी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा पम्पम ब्लॉग्स को, ऐसे प्यार से सपोर्ट देते रहिएगा, और लाइव में भी आइएगा। आप लोग से बात करना मुझे बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा खुशी होती है, तो इस वजह से मैं लाइव में भी आती हूँ। और बहुत सच में मुझे ना बहुत ज़्यादा कभी कभी खुशी होती है कि चलिए अच्छा है, लाइव में आते हैं, आप सबसे बात करते हैं, सबसे मिलती हूँ, तो आप लोग को भी अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। इसी शुभकामनाओं के साथ अब मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, अभी मैं इसके अंदर भी घुसूँगी, बहुत ज़्यादा ठंड है। तो चलिए मैं नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलती हूँ आप सबसे, ऐसे प्यार से सपोर्ट बना करके रखिए। और पम्पम ब्लॉग्स को जो न्यू है मेरे सब्सक्राइबर, ये न्यू है जो इन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, सपोर्ट करिएगा, और शेयर भी करिएगा, जितना से जितना हो सकता है तो शेयर करिएगा। और मैं नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी मकर संक्रांति, वापस से मैं बोल रही हूँ।